Narendra Budania. Thank you, sir. मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि जब भी मैं बोलता हूं तो आप चेयर के ऊपर होते हैं और मुझे विश्वास है कि आप जो है अभी कुरियन साहब आने वाले हमेशा अपनी बट नाउ टुडे साहब भी मुझे टाइम एक्सक्यूज मी टुडे यू स्पीक फॉर 10 मिनट्स एंड व्हेन द डिस्कशन रिज्यूम्स यू कैन कंटिन्यू ओके सर अप टू 6 दैट्स 10 मिनट्स मोर आपने मुझे रेल मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपका दिल से हृदय से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं जब प्रभु जी रेल मंत्री बने थे मैंने पिछले बजट में भी बोला था बड़ी खुशी हुई थी और ऐसा सोचा था कि शायद रेल शायद प्रभु जी को इसलिए रेल मंत्री बनाया है कि रेल मंत्रालय में अमूलचूल परिवर्तन होगा देश में रेल का जाल बिछेगा एक बहुत तेजी से तरक्की आएगी लेकिन परिवर्तन तो आया और परिवर्तन छोटा नहीं है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया इतना परिवर्तन आया कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी आजादी के बाद हमारा जो रेल मंत्रालय था हमारा जो रेल मंत्रालय अपना खुद का स्वयं का बजट पेश करता था उसका एक अलग जलवा था वो आपने समाप्त किया और एक झटके में आपने रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया महोदय मैं कहना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय का अपना एक बहुत बड़ा महत्व था और रेल मंत्रालय का ही नहीं रेल मंत्रालय का ही नहीं रेल मंत्री का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता जब भारत की कैबिनेट की बैठक होती है तो रेल मंत्री का अलग ही अंदाज होता था अलग ही रुतबा होता था अलग पहचान होती थी लेकिन वो पहचान अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है ये परिवर्तन आया प्रभु जी के बनने के बाद में मुझे बड़ा अफसोस है और हमारे मित्र हैं लेकिन फिर भी क्योंकि हकीकत है तो मुझे कहनी पड़ेगी महोदय ये रेल बजट जब आम बजट में शामिल किया गया तो इसके पीछे तर्क दिया गया कि रेलवे का अपना जो 2.27 लाख करोड़ रुपया है उसका लाभांश का भुगतान अब नहीं होगा और दूसरा यह बताया कि इस पूंजी पर इसका जब भारत सरकार को 9,700 करोड़ रुपए का लाभांश का भुगतान होता उसे मुक्ति मिल जाएगी छोटी सी बात के ऊपर पूरा बजट विलय हो गया इन दो कारणों से बजट विलय हो गया महोदय मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे देश के अंदर बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी शास्त्री जी राजीव गांधी मनमोहन सिंह जी तो इन्होंने कभी भी क्या ये देश का विकास नहीं चाहते थे क्या ये रेल का विकास नहीं चाहते थे क्या ये रेल को मजबूत करना नहीं चाहते थे क्या आजादी के बाद जितनी सरकारें बनी वो रेल का विकास नहीं चाहते थे लेकिन नई सरकार बनी नीति आयोग बना सबसे पहले और नीति आयोग ने एक झटके के अंदर रेल समाप्त कर दी रेल नहीं रेल बजट समाप्त कर दिया मैं पहले बता रहा था जब आप थे नहीं यहां पर आप बाहर गए हुए थे मैंने कहा था कि रेल का और रेल मंत्री का एक अलग रुतबा होता था जलवा होता था और जब वो कैबिनेट में जाता था तो उसकी अलग अहमियत होती थी
ये कौन आ रहे हैं कि रेल मंत्री आ रहे हैं, उसकी अलग पहचान थी, वो पहचान अब समाप्त हो गई। अब प्रभु जी मुझे बड़ा दुख है कि जब आप बने तब बहुत खुशी थी और जब आज आप यहां ऊपर बैठे हैं तो हमारा बजट समाप्त हो गया और आम बजट में शामिल हो गया। महोदय हमारे इस जो आम बजट पेश किया गया, इस आम बजट के अंदर रेलवे बजट की बहुत अनदेखी की गई है, पूरी तरह अनदेखी की गई है। 2017-18 के बजट में कोई किसी प्रकार का रोड मैप रेल के लिए नहीं बना, कोई भी तरह का रोड मैप विकास के लिए नहीं बना। जब जेटली जी पहली बार बजट पेश कर रहे थे रेलवे का, रेलवे के का नक्शा बदल जाएगा, रेल का विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आजादी के बाद यानी सन 1951 से रेलवे के इतिहास में पहली बार रेल यात्री और माल भाड़े में गिरावट दर्ज हुई है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आज ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारे रेल मंत्रालय के हालात अच्छे नहीं है, हमारे हालात अच्छे नहीं है। आज जो है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, वेतन पेंशन इसके लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, इसके लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि सन 1951 के बाद पहली बार रेल यात्री और माल भाड़े में जो गिरावट दर्ज की है उसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाया है, इसके लिए क्या होगा, क्या एक्शन प्लान बनाया है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। महोदय आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज पैसेंजर की सेफ्टी हो, आज जो है रेल की सुरक्षा हो, संरक्षा हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज जो है मैं बजट देख रहा था कि आपने 5 साल के अंदर इन कामों के लिए 5 साल के अंदर इन कामों के लिए 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया है। महोदय प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में कहते हैं 125 करोड़ लोगों का देश, इतना बड़ा देश, और जब हमारा देश 125 करोड़ लोगों का है तो एक साल में 5 साल में 1,00,000 करोड़, और अभी शायद इस साल के लिए 19,000 करोड़ रुपए दिए, क्या ये सही है, क्या हमारे देश के लिए सही है बात? नहीं। आज हमारे देश को रेल के विकास की आवश्यकता है, आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम रेल से जुड़े, हर शहर और हर गांव चाहता है कि हम रेल से जुड़े और हमारी सुरक्षा और हमारी जो है सेफ्टी जो है पूरी तरह से हो। महोदय मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब कोई व्यक्ति रेल में बैठता है तो भगवान के आगे हाथ जोड़ता है कि हे भगवान मुझे जो है मंजिल के ऊपर सही तरीके से पहुंचाना, और वो जब अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता है तो प्रभु जी मैं सच्ची बताता हूं हाथ जोड़ के भगवान को बहुत याद करता है कि तुमने मुझे सही सलामत पहुंचा दिया। आज बड़ी चिंता का विषय, आज बड़ी चिंता का विषय कि आज हमारे डिलेमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बुढ़ाने जी सर, सिंस इट्स गोइंग टू बी 6:00, वी हैव टू एडजर्न द हाउस।
you can resume your speech when the debate continues. Thank you, sir. Thank you very much. Now, special mentions, Mr. Soma Prasad. Just lay it on the table, please. I'm laying, sir. Just lay it on the table. Yes, I am laying on the table, sir. Professor Rajiv Gowda. Sir, want to lay on the table a special mention about conserving indigenous cattle breeds. Tiruchi Siva. Oscar Fernandez. Not present. Ramkumar Kashyap. Lay on the table. Mr. Ratnavel, not present. The House stands adjourned till 11 a.m. on Friday, the 24th March, 2017.